का गढ़वा वह जिला है जहां पर विकास योजनाएं लगातार संचालित होती हैं, उसके बाद भी मजदूरों को रोजगार नहीं मिल पाता है, उनके हाथ को काम नहीं मिल पाता है। नतीजतन यहाँ के मजदूर सुदूर प्रदेशों में पलायन कर जाते हैं। अभी आप इस से बखूबी वाकिफ हैं कि लगातार बाहर से लॉकडाउन के कारण मजदूरों का आना गढ़वा जिले में जारी है। अब ऐसे हालात में उन्हें रोजगार की ज़रूरत है, वो बाहर में काम किया करते थे लेकिन अभी वो बेरोजगार हो गए हैं, घर को आ गए हैं। लेकिन अभी इस विषम हालात में भी उन्हें रोजगार माकूल नहीं मिल पा रहा है। आज ऐसी ही कोई स्थिति सामने आई बंशीधर नगर अनुमंडल में, जहां पर बगल में नहर खुदाई का काम हो रहा है, निर्माण कार्य चल रहा है, वहां पर बम्बर डैम है, वहां से बबली खाद जगह है, वहां तक नहर का निर्माण चल रहा है। वहीं पर आज अहले सुबह मजदूरों ने हंगामा कर दिया। कारण बस वही था कि रोजगार नहीं मिल पा रहा है। उनका कहना है कि बाहर के मजदूरों से काम कराया जा रहा है और हम यहाँ पर बेरोजगार बैठे हैं, हमारे हाथ को काम नहीं है, हमें काम नहीं मिल पा रहा है। सैकड़ों मजदूर थे वहाँ पर जिनके द्वारा हंगामा किया गया और उनका द्वारा लगातार यही बात कही जा रही है कि हमें रोजगार चाहिए, हम बाहर से आए हैं और ऐसी स्थिति में विषम हालात हैं, हमारे हाथ में काम नहीं है, हमारे परिवार की हालात ख़राब है, परिवार चला पाना मुश्किल है, ऐसे में बाहर मजदूरों को काम देना बिल्कुल गलत है। हमारे संवाददाता ने वहाँ के जो नहर निर्माण के संवेदक हैं उनसे भी बात की। संवेदक का सीधे तौर पर कहना है कि हम एक साथ ही इतने मजदूरों को काम नहीं दे सकते हैं, हाँ बारी बारी से सभी को काम दिया जाएगा, लेकिन मजदूरों का कहना है कि लगातार हम काम मांग रहे हैं लेकिन हमें काम नहीं मिल पा रहा है। आप खुद तस्वीरों में देखिए, आप वीडियो में देखिए कि किस तरह मजदूर कुदाल और फावड़ा लेकर बैठे हुए हैं, वह बिल्कुल मायूस है, उन्हें काम चाहिए, उन्हें रोजगार चाहिए लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है ऐसे विषम हालात में। अब ऐसे में ज़रूरत है गढ़वा जिला प्रशासन को इस मामले में संजीदगी से पहल करने की, ताकि मजदूरों को काम मिल सके, उन्हें रोजगार मिल सके, उन्हें मजदूरी समय पर मिल सके, ताकि उनका परिवार जो इस भुखमरी के हालात में, विषम परिस्थिति में, उनका परिवार एक जिंदगी अच्छी तरह से बसर कर सके। जो उन लोग से पूछा गया कि आप लोग को कितना मिलता है भैया, तो जैसे जो लेबर है हेल्पर, उन लोग बोला कि मतलब 250 रुपए मिलता है हम लोग के और 3 टाइम खाना मिलता है, और जो मिस्त्री है वो बोले कि हम लोग को 400 मिलता है और 3 टाइम खाना मिलता है। अब आप लोग को कितना मिलता है? हम लोग के जैसे काम भी आते करने आते हैं तो हम लोग को घुमा दिया जाता है यहाँ से, और हम लोग के लगेबो करते हैं तो 250 रुपया देते हैं, मिस्त्री के 300 रुपया। भागेंगे यहाँ से, हमारा दूरा पर काम हो रहा है, उन लोग ना भागेगा तो ठेकेदार जी, सब सारा सर ठेकेदार जी में गलती है। तो मांग क्या है? मांग हमारा है कि हम लोग के काम मिलना चाहिए, भाले बामा गांव के 20 गो 25 गो पारी से मिलना चाहिए, बामा बढ़िया दोनों को मिलना चाहिए पारी पारी से। अगर काम नहीं दिया जाएगा तो? नहीं दिया जाएगा तो काम रोक दिया जाएगा। काम जब तक नहीं मिलेगा तब तक? काम जब तक नहीं फैसला करेंगे तब काम रोक दिया जाएगा। हम लोग मजदूरी जितना मजदूरी इनका मिलता है उतना हम लोग को मजदूरी हक चाहिए। जो सरकारी होगा, जो सरकारी रेट है वही देंगे हम लोग, और अमानी पर काम करेंगे हम लोग, मेजरमेंट पर नहीं। नाम काम क्या है? नाम क्या है? हमारा गांव बामा बढ़िया का गांव का आदमी के काम नहीं मिलेगा, काम ठेकेदार जी के काम नहीं हम लोग रोकने करेंगे, क्योंकि हम लोग भी लॉकडाउन में है। कहां लिख होगा? कहां निर्णय लिया आपने? कहां निर्णय लिया? एक हफ्ता के निर्णय लिया गया था। निर्णय जल्दी होगा। आप बोलिए लोगों।